क्या बिना जीएसटी के ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया जा सकता है? क्या एक जीएसटी से मल्टीपल मार्केट प्लेसेस पे सेल कर सकते हैं? क्या सीए को हायर करना जरूरी है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे चैनल पर आते हैं और पूछे जाते हैं कि ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए क्या जीएसटी मैंडेटरी है, बिना जीएसटी के सेल नहीं कर सकते क्या सर, या कोई ऐसी कैटेगरीज हो तो बता दो जो हम बिना जीएसटी लिए अमेजोन पे जो है अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर लें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आज पुटअप करूंगा। तो इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है तथास्तु और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है कनेक्शन बिजनेस। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि सर बिना जीएसटी के सेल कर सकते हैं क्या? बिना जीएसटी के ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसकी बहुत लिमिटेशंस हैं। बहुत आसान सी भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। बिना जीएसटी के अगर आपकी सेल 40 लाख से कम में होती है तो आप मीशो पे सिर्फ अपने राज्य में सेल कर सकते हैं। अभी तक अमेजोन ने और फ्लिपकार्ट ने इस पर काम करना शुरू नहीं किया है, मतलब इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना। तो मीशो पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी डिटेल्स मैंने बना रखी है ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर। दूसरी चीज़ इसमें एक और ऐड करना चाहता हूँ कि अमेजोन के ऊपर कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, जीएसटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। उसको कैसे आप देखेंगे, आपको सिर्फ यहां पर आकर जीएसटी एग्जेम्प्टेड और अमेजोन कैटेगरीज सर्च करना है और ये जो लिंक है ना, इस लिंक पर आकर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, इनको भी आप सेल कर सकते हो। तो मीशो के ऊपर सिर्फ आपके स्टेट में और अमेजोन के ऊपर बिना जीएसटी के पूरे इंडिया में आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई फी लगती है, कुछ पैसा लगता है? देखो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई फी नहीं लगती है। आप अपने आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है जो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना सिखाते हैं। लेकिन मैं क्यों आपको सजेस्ट करता हूं या रिकमेंड करता हूं कि आप किसी प्रोफेशनल सीए से जाके मिलिए, वो आपकी मदद करेगा। क्योंकि कभी भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है, कोई डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई जीएसटी ऑफिसर की तरफ से कोई क्वेश्चन आता है, तो उसके रिप्लाइज जो है ना, वो सीए प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करता है और सीए आपकी मदद करता है कि आप बिना जीएसटी के हर्डल में फंसे आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन कर सकें। अब कितना खर्चा आता है वो डिपेंड करता है, सिटी टू सिटी वेरी करता है और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कुछ ऐसे भी अकाउंटेंट है जो 500 रुपए में भी आपको बना के दे देते हैं, कुछ लोग 2000, 3000, 5000 जैसा उनका जो फी है वो उस टाइप से चार्ज करते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो कुछ डॉक्टर्स 150 रुपए में भी आपका सर्दी जुकाम ठीक कर लेते हैं और कुछ शायद 500, 1000 रुपए भी आपसे चार्ज कर लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेलिटी में हैं, किस एरिया पे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कोई फी नहीं है, लेकिन सर्विस चार्ज लिया जा सकता है। जो आपका रजिस्ट्रेशन करके देगा अकाउंटेंट, वो आपसे कुछ सर्विसेज की जो है चार्ज ले सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या एक जीएसटी नंबर से मल्टीपल मार्केट प्लेसेस यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो तीनों पे सेल कर सकते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, आप एक बार, ये एक तरीके का लाइसेंस है, आप समझ लीजिए। ये जो जीएसटी सर्टिफिकेट है ना, ये आपको व्यापार करने का लाइसेंस देता है। अब आप व्यापार किसी भी रूप में करें, आप मार्केट में दुकान लगा के करें, ठीक है, आप अपनी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट बना के करें, आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, किसी पर भी सेल करें, आपको सिर्फ वही जीएसटी नंबर देना है जो आपने एक बार रजिस्टर किया है, ठीक है ना। आप उस जीएसटी से इन सभी मार्केट प्लेसेस पर, इन सभी चैनल्स पर सेल कर सकते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन है आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि क्या हमें हर मार्केट प्लेस के लिए अलग से जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। नहीं, आपको एक बार जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप उस जीएसटी नंबर से सभी मार्केट प्लेस और सभी चैनल्स पर सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या सर हमें हर महीने जीएसटी भरना पड़ता है? देखो, इसमें भी एक कंडीशन है। आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्वार्टरली जीएसटी भरना है या आपको मंथली जीएसटी भरना है। ये जब आप जीएसटी अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, तभी आप वहाँ पर ये चीज़ पहले से इन्फॉर्म कर देंगे जीएसटी डिपार्टमेंट को। आप सीए को बोल देंगे कि हम क्वार्टरली जीएसटी भरना चाहते हैं, तो आपको क्वार्टरली जो भी आपकी सेल होगी, जैसे अप्रैल, मई, जून, ये तीन मंथ की जो सेल होगी वो आपको जुलाई में सबमिट करनी होती है, ठीक है ना। जुलाई में इन तीनों महीने की सेल, वैसे ही आपको हर तीन महीने की जो भी सेल होगी उसके ऊपर जीएसटी जो है आपको भरनी पड़ेगी। और दूसरी चीज, अगर आप मंथली लेते हो तो हर महीना जो कंप्लीट होगा उसके नेक्स्ट मंथ में आपको प्रीवियस मंथ की सेल की जितना भी जीएसटी बनेगा वो भरना पड़ेगा। अब जीएसटी में कुछ अलग अलग स्लैब्स भी होते हैं, जैसे 5%, 12%, 18%, 28%। किसी पे 5% टैक्स लगता है तो 5% भरना है, किसी पे 12% लगता है तो 12%, किसी पे 18% लगता है तो 18, किसी पे 28%। तो ये जब भी आप, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा गाइस,
जब भी आप कोई प्रोडक्ट डिसाइड करें तो उस पर कितना जीएसटी चार्ज होता है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपकी सेल पर बहुत इम्पैक्ट करता है, आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं उस पर बहुत इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो जो आपका ये क्वेश्चन था कि क्या हमें जीएसटी हर महीने भरना पड़ता है, जी नहीं, आप जीएसटी हर महीने भी भर सकते हैं या फिर आप जीएसटी क्वार्टरली भी भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है कि सर अगर सेल नहीं हुई तो क्या करना होगा, अगर हमारे को जीरो सेल है, हमने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा दिया, हमने अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो पे भी जो है रजिस्ट्रेशन करा दिया, लेकिन हमारे को सेल ही नहीं, हमने कुछ प्रोडक्ट ही लिस्ट नहीं किया, हमने कुछ माल ही नहीं बेचा, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपको नील जीएसटी भरना होगा, यानी कि आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके नील सबमिट करना होगा और डिपार्टमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को बताना होगा कि हमारा रजिस्ट्रेशन एक्टिव है लेकिन हमने कोई भी सेल जनरेट नहीं किए, इसलिए हम जो है नील सबमिट सेल कर रहे हैं, हमारी कोई सेल नहीं हुई। तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका, ये डाउट भी जो आई एम श्योर मैंने क्लियर कर दिया है, अगर हमारी सेल नहीं होती है तो क्या हमें जीएसटी भरना जरूरी है, जी नहीं, हमें जीएसटी भरना नहीं जरूरी है, सिर्फ नील भरना है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएसटी रिलेटेड, और मुझे कई बार ऐसे कमेंट आए कि सर मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ और मेरा घर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मेरा घर और सब कुछ जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैं उत्तर प्रदेश से करा दूंगा, तो क्या मैं दिल्ली से सेल कर सकता हूँ? देखो टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पर आपका पैन कार्ड बना हुआ है, वो सारी जगह जो सारे डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे ना, बैंक डिटेल्स, वो सेम स्टेट के होंगे, तो आपको उसी स्टेट में सेल जो है उसी स्टेट में जीएसटी सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी स्टेट से आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, और आपका जो पिकअप एड्रेस है मार्केट प्लेसेस जो लेंगे ना, वो उसी स्टेट से लेंगे, उसी एड्रेस पर लेंगे जहाँ से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन बना हुआ है। अगर आप दिल्ली से सेल करना चाहते हैं, लेट्स से आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो आपको दिल्ली का अलग से जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब मैं फिर से एक कन्फ्यूजन आपका क्रिएट हो रहा है, आई एम श्योर आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर आपने तो कहा कि पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? जी नहीं, आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस स्टेट से बिजनेस करना चाहते हैं, जिस स्टेट में आपके प्रोडक्ट को पिकअप करवाना चाहते हैं, उस स्टेट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण फिर से देता हूं, लेट्स से आपका एक शॉप गुजरात में है, ठीक है, तो आप पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं, आपके पूरे इंडिया से ऑर्डर आएंगे, लेकिन पिकअप गुजरात से ही होगा, ओके? वैसे ही अगर आप पिकअप दिल्ली से करवाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा ताकि पिकअप दिल्ली से भी हो, वैसे ही अगर कोलकाता से पिकअप करवाना चाहते हैं तो कोलकाता का रजिस्ट्रेशन, वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चेन्नई से कराना चाहते हैं तो तमिलनाडु का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सेल आपको पूरे इंडिया से आएगी, लेकिन पिकअप जो होगा वो आपको उस स्टेट से करवाना है, तो वो उस स्टेट का ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है। इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से इस पर वर्क कर रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो एग्री नहीं कर रही है। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स एग्री कर जाती है तो बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ सकती है कि एक जीएसटी से आप पूरे इंडिया के किसी भी स्टेट से पिकअप करा सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो मेरा यकीन मानिए ये एक विन-विन सिचुएशन होगी, और पूरे इंडिया में जो आप कहीं पे भी अपने प्रोडक्ट रखवा सकेंगे, जैसे जितने भी अमेजोन के फ्लिपकार्ट के वेयर हाउसेज है, आप अपने प्रोडक्ट्स वहां पर भिजवा सकते हैं और वहां से आपके पिकअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हमें वहां का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है तो ये एक बहुत हैक्टिक प्रोसेस हो जाता है और बहुत जो है कॉस्टली भी पड़ता है, थोड़ा सा एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए अभी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जिस स्टेट में हैं वहीं से सेल करें। अब जो अगला क्वेश्चन है कि सर जीएसटी से क्या हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, बिना जीएसटी के आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में स्केल नहीं कर पाएंगे। स्केल का मतलब ये है अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे, बहुत लिमिटेड हो जाता है। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आप सिर्फ अपने स्टेट में सेल कर पाएंगे, ठीक है ना, अगर आप जीएसटी नहीं लेना चाहते हैं, बिना जीएसटी के किसी मार्केट प्लेस पर सेल करना चाहते हैं, तो आप जो है अटक जाएंगे एक स्टेट में, आपको अदर स्टेट से सेल नहीं आएगी। और ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ई कॉमर्स का मतलब क्या है कि आप कहीं से भी जो है पूरे देश में पूरी दुनिया में सेल कर सको, तो आप अगर जीएसटी नहीं लेंगे और आप इन जीएसटी के माध्यम से इन मार्केट प्लेस पर सेल नहीं करेंगे, तो आप जो है सारे स्टेट से आपके इंडिया के ऑर्डर नहीं आएंगे और आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आपकी सेल बहुत लो रहेगी। तो आप अगर स्केल करना चाहते हैं तो आपको जो है जीएसटी लेना है, और जीएसटी से तभी फ़ायदा होगा कि आप जो है सभी स्टेट से आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएं, तभी आप जीएसटी से फ़ायदा उठा पाएंगे। और यहाँ पर इन सभी क्वेश्चंस के बाद
एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या सर हम हमारी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम पे बिना जीएसटी के सेल कर सकते हैं, तो रिसेंटली एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का फटका लगा था, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, पॉज कीजिए और इसे ढंग से पढ़िए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बिना जीएसटी के सेल कर रहे थे। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे या फिर हम लोग फेसबुक पे या फिर हमारी खुद की ई-कॉमर्स वेबसाइट पे पूरे इंडिया में आराम से सेल करेंगे, महीने की लाखों की सेल जनरेट करेंगे या ईयरली जो है लाखों की सेल जनरेट करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो इसको आप पढ़ लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं अगर आप बिना जीएसटी के सोशल मीडिया पे सेल करते हैं या करने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ गाइज, कि आई एम श्योर आप वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू नहीं किया या जस्ट स्टार्ट किया होगा, और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि सर ई कॉमर्स का कोर्स हमें ज्वाइन करना है। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आप पहले YouTube से सीख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है e-commerce के कोर्स में जाने में, या इतनी जल्दबाजी मत करिए किसी भी चीज़ की पेमेंट करने में। आप ये सब चीज़ें सीखिए, उसके बाद अगर आपको लगता है तो हमारा एक Amazon का कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आता है, एवरी मंथ एंड में हम लोग जूम सेशन करते हैं, बहुत अच्छे वीडियोज़ अवेलेबल है कोर्सेज के अंदर और काफ़ी सारे सेलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ई कॉमर्स से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है जो मैंने साइड में शेयर कर दी है, आप उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।